एक और बड़ी खबर, वॉर के बीच रूस ने दिखाई एटमी ताकत, परमाणु मिसाइल बुलावा का सफल परीक्षण किया। न्यूक्लियर सबमरीन से दागी मिसाइल, व्हाइट सी में रूस ने दागी एटमी मिसाइल। तो आप देख रहे हैं व्हाइट सी में बुलावा मिसाइल का परीक्षण किया गया है, ये परमाणु मिसाइल बताई जाती है और न्यूक्लियर सबमरीन से ये किया गया है। और आइए रूस के इस एटमी शक्ति प्रदर्शन की डिटेल और इसके इशारों को समझते हैं। आप एक मैप देख रहे हैं इस वक्त, लोकेशन कौन सा था ये आपको दिखा बता देते हैं। व्हाइट सी ये लोकेशन था और पुतिन का ये एटमी संदेश है पूरी दुनिया को। सबमरीन का नाम क्या है? इम्पेरेटर एलेक्जेंडर, ये सबमरीन का नाम है। एटमी मिसाइल इसमें बुलावा थी, यहीं से ही लॉन्च की गई। मिसाइल की जो कैटेगरी है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी ICBM। पुतिन का मैसेज साफ है, अमेरिका नेटो और उनके दूसरे सहयोगियों के लिए खुली चेतावनी है, खुली वार्निंग है। रशियन न्यूज़ एजेंसी के हवाले से ये आंकड़े हैं, लेकिन मैसेजिंग बहुत ज़्यादा अहम है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजदूत वापस बुलाने पर तुर्की ने कहा है कि इसराइल का असली चेहरा दिखाएंगे, गाजा में युद्ध अपराध साबित करेंगे, इसराइल के खिलाफ एक्शन में तुर्की है। और एक और बड़ी खबर, गाजा के शरणार्थी कैंपों में महामारी जैसे हालात हैं, शरणार्थी कैंपों में गंभीर बीमारियों से त्राहिमाम है, शरणार्थी कैंपों में लोगों में फैल रहा है इन्फेक्शन। तो गाजा में बीमारी कैसे मार डालेगी आपको बताने जा रहे हैं, शरणार्थी कैंपों का बहुत बुरा हाल है। देखिए हम खबर आपको बता रहे हैं कि कैसे बीमारियां फैल रही हैं और इसकी अब डिटेल में जानकारी आपको देते हैं कि महामारी जैसे हालात हो गए हैं रेफ्यूजीज कैंप में। लोगों में इन्फेक्शन फैलने का डर है और सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि इतने लोग एक साथ शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं तो बीमारियां फैलने का खतरा है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, इसराइल गाजा जंग से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। नागरिकों का इस्तेमाल कर रहा है हमास, इसराइली जमीनी जंग लड़ रहा है तो हमास भी अपनी ताकत दिखा रहा है। जमीन पर IDF को लगातार हमास के प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। वाटर प्लांट से रॉकेट लॉन्च किए गए हैं, पश्चिमी मीडिया के हवाले से यह खबर है।